किसी ने क्या खूब कहा है, खुशनसीब है वो जिसने अपने आज का समझदारी से इस्तेमाल किया, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि वर्तमान में कैसी भी परिस्थिति हो, पर जो अपना काम है उसे करते रहें तो उसका क्या लाभ होता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है वर्तमान में भविष्य का काम। सूखे के कारण माधवपुर गांव के किसान बहुत परेशान थे। धरती से पानी गायब हो चुका था, ट्यूबवेल जवाब दे चुके थे, खेती करने के लिए सभी बस इंद्र की कृपा पर निर्भर थे, पर बहुत पूजा पाठ और यज्ञों के बावजूद बारिश होने का नाम नहीं ले रही थी। हर रोज किसान एक जगह इकट्ठा होते और बादलों को ताकते रहते कि कब बारिश हो और वे खेतों में लौट सके। आज भी सभी बारिश के इंतजार में बैठे हुए थे कि तभी किसी ने कहा, अरे ये हरिया कहाँ रह गया, दो तीन दिन से वो आ नहीं रहा, कहीं मेहनत मजदूरी करने शहर तो नहीं चला। बात हंसी में टल गई, पर जब अगले दो तीन दिन हरिया दिखाई नहीं दिया तो सभी उसके घर पहुंचे। बेटा, तेरे बाबूजी कहाँ हैं? हरिया के बेटे से किसी ने प्रश्न किया। पापा खेत में काम करने गए हैं, बेटा यह कहते हुए अंदर की ओर भागा। खेत में काम करने? सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरिया ऐसा कैसे कर सकता है, लगता है इस गर्मी में हरिया पगला गया है। किसी ने चुटकी ली और सभी ठहाका लगाने लगे, लेकिन सबके अंदर कौतूहल था कि हरिया खेत में क्या कर रहा होगा, और सभी उसे देखने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा कि हरिया खेत में गड्ढा खोद रहा था। अरे हरिया, तू ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस बारिश होने की तैयारी कर रहा हूं। जहां बड़े बड़े जतन करने से बारिश नहीं हुई, वहां तेरा ये गड्ढा खोदने का टोटका कहां काम आने वाला? नहीं नहीं, मैं टोटका नहीं कर रहा, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूं कि जब बारिश हो तो मैं हर तरफ का बहाव इस जलाशय की ओर कर इसमें ढेर सारा पानी इकट्ठा कर सकूं, ताकि अगली बार बारिश के बिना भी कुछ दिन काम चल जाए। इस बार का ठिकाना नहीं और तू अगली बार की बात कर रहा? महीनों बीत गए और एक बूंद नहीं टपकी आसमान से। ये बेकार की मेहनत में समय बर्बाद मत कर, चल हमारे साथ वापस चल। लेकिन हरिया ने उनकी बात अनसुनी कर दी और कुछ दिनों में अपना जलाशय तैयार कर लिया। ऐसे ही कई दिन और बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। फिर एक दिन अचानक ही रात में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू सारे इलाके में फैल गई। किसानों के चेहरे खिल उठे, सभी सोचने लगे कि बस अब उनके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, कुछ देर बरसने के बाद बारिश थम गई और किसानों की खुशी भी जाती रही। अगली सुबह सब खेतों का जायजा लेने पहुंचे, मिट्टी बस ऊपर से गीली भर हो पाई थी, ऐसे में खेतों की जुताई शुरू तो हो सकती थी, लेकिन सिंचाई के लिए और भी पानी की जरूरत पड़ती। किसान मायूस हो अपने घरों को लौट गए। दूसरी तरफ हरिया भी अपने खेत पहुंचा और लबालब भरे छोटे से जलाशय को देखकर खुश हो गया। समय गंवाए बिना उसने हल उठाया और खेत जोतना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में माधवपुर के सूखाग्रस्त इलाके में बस एक ही चीज हरी भरी दिखाई दे रही थी, हरिया का खेत। दोस्तों, जब कंडीशंस सही ना हो तो ऐसे में अधिकतर लोग बस उसके सही होने का इंतजार करते रहते हैं और उसे लेकर परेशान रहते हैं, जबकि करना यह चाहिए कि खुद को उस वक्त के लिए तैयार करना चाहिए जब परिस्थितियां बदलेंगी, जब सूखा खत्म होगा, जब बारिश आएगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। दिन के बाद रात तो रात के बाद दिन आना ही आना है। हमारा बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, चीजें बदलती हैं, चीजें बदलेंगी,
लेकिन क्या आप हम उस बदलाव का फायदा उठाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? क्या आप जॉब अपॉर्चुनिटी आने पर उन्हें ग्रैब करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या बस उनके न होने का रोना रो रहे हैं? बस इतना समझ लीजिए कि आज आप क्या कर रहे हैं यही तय करेगा कि कल आप क्या करेंगे। इसीलिए अगर असफल लोगों की भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि मुट्ठी भर कामयाब लोगों के ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस आज को अपना बनाइए, उठाइए अपने औजार और तैयारी करिए। लहलहाती फसल की बारिश बस होने ही वाली है। यह कहानी सिखाती है कि हमें अपनी मेहनत को बंद नहीं करना चाहिए और लगातार अपने प्रयास को जारी भी रखना चाहिए, और प्रयास को जारी रखने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे इसके लिए प्रेस बेल आइकन।